नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस जो YouTube चैनल है विनीत कुमार एट JRF में। और दोस्तों आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में जो हमारा है वो इशू होगा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल जो है दोस्तों वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे हमें पता चलता है, बहुत कम शब्दों में हमें पता चलता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये केस है रे बेरवाड़ी केस जो है 1960 का, इसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखा जाए कि हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो हमारे देश के लिए किस तरह का सिस्टम चाहते थे, वो हमें पता चलता है प्रीएम्बल से। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि प्रीएम्बल जो है बहुत ही सीमित शब्दों में, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमें भारत का संविधान नहीं पढ़ना है पर उसके बावजूद भी हमें ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मेन थीम क्या है, तो वो दोस्तों हम प्रीएम्बल को पढ़ के पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान वे है हमारे जो संविधान है उसकी फिलॉसफी को कम से कम शब्दों में जानने का। तो नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं पर्पज ऑफ द प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल का पर्पज क्या है दोस्तों। तो पर्पज जो है प्रीएम्बल का यानी कि उससे हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, ये क्या हमें पता चलता है। तो पहले हम देखेंगे सोर्स, कि सोर्स ऑफ द पावर क्या है। तो सोर्स जो है दोस्तों सिंपली कहा जाए कि संविधान कहां से आया है। तो संविधान क्या है, संविधान को हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं। तो संविधान का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आया है, तो वो होता है दोस्तों सोर्स यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग जो हैं उन्होंने ही ये संविधान को अपने ऊपर लागू किया है, तो वो सोर्स पता चलता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा जो चीज़ है वो है हमारे बी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंडमेंट करनी पड़े, संशोधन करना पड़े, तो वो हम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, बड़ी ऑब्वियस चीज बात है। और पार्लियामेंट के जो MP हैं उनको कौन चुनता है, वो चुनता है वी द पीपल, हम चुनते हैं हर साल, हर 5 साल के बाद उनका चुनाव होता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि सोर्स क्या है हमारे पावर का, या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पावर है, जो उसकी जो जितनी भी वैल्यू है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुई। जैसे कि आपको पता है कि लोगों ने जो चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, भारत के लोगों ने ही चुना था। तो ये बात जो है इसमें ये सोर्स से पता चलती है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन। जैसे कि दोस्तों जो हमारी प्रीएम्बल है वो हमें बताती है कि सिटीजन्स के लिए क्या क्या प्रोविजन बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो आपकी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो सारे प्रोविजन हैं दोस्तों वो आएंगे, वो नीचे हम देखेंगे। तो उससे पता चलता है हमें राइट ऑफ द सिटीजन्स। उसके बाद है टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या पॉलिसी है, उसकी क्या टाइप है, वो किस तरह की है। जैसे कि इसने कहा है डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो वो जो सारी है उससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है, गवर्नमेंट किस तरह की होगी, उसकी क्या फिलॉसफी होगी, वो कैसे काम करेगी, वो सारा भी हमें जो इससे पता चलता है प्रीएम्बल से। सो तीन चीजें दोस्तों होगी, सोर्स हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजंस हो गया, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटी हो गया दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो डिस्कशन, हमने कहा था कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि ये गवर्नमेंट है जो किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए हमें। सोवरेन, सोवरेन जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों संप्रभुता संपन्न, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा जो देश की जो सरकार होगी वो पूरी तरह से सोवरेन होगी यानी संप्रभुता होगी, चाहे वो इंटरनल मैटर हो यानी कि कंट्री के अंदर के मैटर हो, उनको में उनमें भी सोवरेन होगी, उनमें भी किसी तरह की हमें कोई गाइडेंस या किसी की बाहर की शक्ति की पावर की जरूरत नहीं है। और जो हमारे एक्सटर्नल मैटर होंगे यानी कि हमारे दूसरी कंट्री के साथ जो मैटर होंगे उनमें भी हमारी सरकार जो है पूरी फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर जो है परफॉर्म करेगी, तो वो हो गया हमारा सोवरेन। तो उसके बाद है दोस्तों सोशलिस्टिक। अब सोशलिस्टिक होता है हिंदी में तो उसको कहा जाता है दोस्तों समाजवाद, यानी कि एक समानता का जो भाव होता है वो जो है वो सोशलिस्टिक का पैटर्न है दोस्तों। तो जो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है उसमें जो मेन फिलोसफी है सोशलिस्टिक होने की गवर्नमेंट की, कि जो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि जितने भी जहाँ से भी पैसा जनरेट होता है एक देश में, वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होंगे, सरकार के पास, सरकार अपने हाथों लेगी पूरा वो तामझाम, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सरकार के होंगे। हालांकि ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी तरह से सरकारी सेक्टर भी नहीं है और पूरी तरह से जो हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है वो भी नहीं है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये जो हमारा सोशलिस्टिक पैटर्न है वो कहता है कि हमारा जो जितने भी प्रोडक्शन के मीन है वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, और उन प्रोडक्शन के मीन से जो भी पैसा अर्न होता है उस पर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब यहां ये नहीं है कि सभी को बराबर पैसा दे दी जाए, यहां कहने का मतलब यह है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि यहां पर रोटी, कपड़ा, मकान और उसके साथ जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो 5 चीजें हैं ये आपको अच्छे तरीके से अपने नागरिकों को प्रोवाइड करवानी है, ताकि जो जो पर्पस है, जो सोशलिज्म का, जो समाजवाद का पर्पस है वो फुलफिल हो सके। तो इस तरह से 2 चीजें इसमें आई हैं दोस्तों। पहली तो ये है कि आपकी सरकार जो है
वो सारे जो मीन्स हैं प्रोडक्शन के उनको अपने कंट्रोल में रखे ताकि पैसा उसके पास है, उसके बाद उस पैसे को इक्वली जहाँ तक हो सके जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की उनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो जो एक बैलेंस है सोसाइटी में एक बना रहे और आप जो है समाजवाद का जो कंसेप्ट है उसको जो कि आपकी प्रीएम्बल में उसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो हमारा स्टेट है यानी कि जो हमारा देश है वो ना तो उसकी फिलोसफी जो है वो ना तो किसी धर्म के साथ है ना ही किसी धर्म के खिलाफ है। नाइदर इट इज़ एंटी गॉड नॉर इट इज प्रो गॉड, ना तो भगवान के साथ है ना भगवान के खिलाफ है, यानी कि ये एक न्यूट्रल वे में चलता है और सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो ये जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो भी इसमें है दोस्तों। उसके बाद डेमोक्रेटिक है और उसके बाद रिपब्लिक है दोस्तों। तो डेमोक्रेटिक जो है दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, अगर हम इसको देखें इसका ओरिजिनेशन देखें तो यहाँ मैंने छोटा छोटा करके लिखा हुआ है दोस्तों। ये है वर्ड जो ग्रीक भाषा से आया है और इसका मतलब है डेमोस प्लस क्रेटोस, डेमोस प्लस क्रेटोस। तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब है दोस्तों वो है स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि जो पीपल्स हैं जो आम नागरिक हैं उसकी स्ट्रेंथ होना किसी भी सिस्टम में, उसका एक बैक होना उस सिस्टम में, उस कंट्रोल होना। तो ये है जो इसको लेकर हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें, हमारे जो इस कंसेप्ट को प्रीएम्बल का कंसेप्ट है इसको लेकर थोड़ा सा एलैबोरेट करें दोस्तों। तो डेमोक्रेटिक सेटअप का ये मतलब है कि हमारा जो नेता चुने जाते हैं जो MP हैं MLA है वो कौन चुनता है, पीपल ऑफ द इंडिया। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमारी कंट्री में नहीं है पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यस कि हमारे पास भी डेमोक्रेसी है बट ये इनडायरेक्ट है, लोगों के प्रतिनिधि ही लोगों पर राज करते हैं। तो जैसा प्रतिनिधि आप चुनेंगे वैसा आपका राज होगा, वैसा आपका शासन मिलेगा आपको। तो ये जो पावर है वो लोगों की ही है पीछे। उसके बाद है दोस्तों रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का भी वैसे ही मैंने एक मीनिंग लिखा है छोटा सा, लैटिन टर्म है ये, याद रखिएगा लैटिन टर्म है ये। ये रेस पब्लिका से बना है, यानी कि पब्लिक थिंग्स और पब्लिक मैटर्स, यानी कि पब्लिक थिंग और पब्लिक मैटर्स, इस तरह का सिस्टम। ये थोड़ा सा डिफर करता है, अगर डेमोक्रेसी वैसे इनमें समानता भी काफ़ी है पर थोड़ा सा डिफर इसलिए करता है क्योंकि जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है दोस्तों, याद रखिएगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भी चुना जाता है किसके द्वारा, MLAs इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है, यानी हमारे जो MP हैं और MLA उसको चुनते हैं, उनको आगे हम चुनते हैं। तो देखा जाए थोड़ा सा ये ज़्यादा इनडायरेक्ट वे हो गया परंतु चुनाव जो है वो हम लोग ही करते हैं इसका, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ रिपब्लिक है। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया जाए, डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा भी जिससे कि सरकार चुनती है जिसके पीछे की लोगों की पावर है। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मनाक नहीं होगा, यानी कि वो राजा नहीं होगा बल्कि वो कौन होगा, वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा और उसकी टर्म जो है फिक्स होगी, 5 साल होगी और 5 साल के बाद एक नया राष्ट्रपति चुना जाएगा दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें से थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो वर्ड है हमारे पास जो कि आप शायद जानते भी हों, सोशलिस्टिक और जो सेकुलर वर्ड है ये जो अमेंडमेंट के जरिए डाले गए थे जो हम लेटेस्ट आपको बताऊंगा मैं। तो उसके बाद है दोस्तों इसको याद रखने का फॉर्मूला, जो सीक्वेंस है इसका, इस बात का ध्यान रखिएगा जो सीक्वेंस है कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसको या तो SSDR करके याद कर लें पर क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है पहले जो तीन वर्ड हैं वो SS से हैं इसलिए कॉमन है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, अगर डिफिकल्ट लगता है तो इसका आप पहला और लास्ट का वर्ड जो है वो कलेक्ट कर लें, जैसे SN सोवरेन, ST सोशलिस्टिक, SR सेकुलर। तो ये जो है आपके इसको थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी, SN ST SR DR, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सीधा सीधा वर्ड है। तो दोस्तों ये है इसको इजी वे याद रखने का, याद रखिएगा कई बार ये कंपटीशन में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, सीक्वेंस नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट डाले गए हैं जो आगे हम पढ़ेंगे भी कि कौन सी अमेंडमेंट हुई है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम टू सिक्योर इट्स सिटीजन, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन सोवरेन सोशलिस्ट, वो तो हो गया हमारे गवर्नमेंट का पैटर्न। अब हम चलते हैं टू सिक्योर इट्स सिटीजन की इट्स इसके सिटीजन जो हैं उसको प्रीएम्बल में, जो भारत के सिटीजन हैं उनको प्रीएम्बल में क्या मिला है। तो दोस्तों वो है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस किस तरह का है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यानी कि अब मैं इससे आपको थोड़ी सी एक रेफरेंस दे देता हूं दोस्तों, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये जो फ्रेज है पूरी ये पूरी की पूरी रशियन रेवोल्यूशन में यूज़ हुई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये जो फ्रेज है ये जो है हमारी वो हमारे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें यूज़ की गई थी, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा आप,
कई बार क्या होता है कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रेज जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से उठाई गई है और कौन सी जो है वो फ्रांस का जो है फ्रीडम स्ट्रगल था उससे उठाई गई, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों जस्टिस सोशल इकोनॉमिक। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस ये है कि जो सोसाइटी में आपका स्टेटस है उसमें आपको बराबर के अधिकार मिले, आपका जो एक सोशल फैब्रिक है उसमें किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव जात पात जो है वो ना रहे। इकोनॉमिक जस्टिस जो है दोस्तों वो है आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपको मौके हैं कमाने के लिए या उसे खर्च करने के लिए वो भी इक्वल हों, या जो पैसा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे कि मैंने कहा आपको समाजवाद के फील्ड में, जैसे कि सोशलिस्टिक पैटर्न। उसके बाद है दोस्तों पॉलिटिकल है कि पार्टिसिपेशन करना, जो सिस्टम है जो एक हमारा रूल करने का सिस्टम है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी बनाना वो आपका अधिकार है, कोई भी आदमी कहीं से पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, शर्त है कि वो बाकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता हो। आप वोट दे सकते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं, किस तरह की कोई मतलब आप रूल कर सकते हैं, यू कुड बी अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आप जा सकते हैं, उसका आप रूल कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह से आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो ये तो दोस्तों हमारा जस्टिस है, या ये सारे टर्म जो हैं, ये सारे तरीके हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों लिबर्टी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो ये जो है हमारा दोस्तों थॉट्स, यानी कि सोचना समझना कि क्या हम सोचें और उसको एक्सप्रेस करें, वो भी हमें लिबर्टी है। बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, बिलीफ करना फेथ करना, ये हमारा थोड़ा सा रिलीजियस के साथ आ जाता है, जो हमारे रिलीजियस आर्टिकल 25-28 है उसके साथ आ जाता है कि हम बिलीफ क्या करें, हम फेथ क्या रखें, हम वर्शिप करें, कौन से गॉड को माने, क्या बिलीफ को धर्म को माने, उसको चेंज करें या दूसरे को ना माने, या कुछ क्या धर्म से लेकर कुछ भी करें दोस्तों, वो सब जो है आपका बिलीफ फेथ एंड वर्शिप में आएगा। थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी कि आज़ादी है तो आप बोल सकते हैं, रीजनेबली बोल सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कोई भी राइट आपको एब्सोल्यूट नहीं दिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो स्टेटस है आपका, जो आपका सोसाइटी में स्टेटस है वो इक्वल होगा, यानी कि अगर आप एक आदमी है तो वो दूसरे आदमी के बराबर है, उसको आप किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये जो इसका स्टेटस है वो कम है या इसको अभी ऊपर नहीं उठना चाहिए या इसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी समान है, आप अपना स्टेटस जो है उसको उठा सकते हैं। और स्टेटस और अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आपको अपने स्टेटस को राइज करने का एक चांस मिल सकता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिए कि ये है इक्वालिटी आपको स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। उसके बाद है फ्रेटर्निटी, जिसको भाईचारा कहा जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो डिग्निटी ऑफ द जो इंडिविजुअल है दोस्तों वो है कि हर आदमी को ऐसा फील हो कि यस मेरा देश है, मेरे पास अधिकार हैं और मैं अपनी ज़िंदगी जो है सम्मान से जीना चाहता हूं। और उसके साथ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये देश की एकता यानी यूनिटी, और उसके साथ इंटीग्रिटी जो है अखंडता, यानी कि उसको भी हम प्रोटेक्ट करें। फ्रेटर्निटी में ये भी भावना आती है, क्योंकि जब आप फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारा कैसे बनता है, वो यूनिटी से बनता है, वो इंटीग्रिटी से बनता है। हम जितने यूनाइट होंगे, जितने इंटीग्रेट यानी कि अखंड होंगे, उतने ही मतलब उसका ही मतलब भाईचारा है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, तो मिलकर रहने से ही यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है दोस्तों, और उससे ही जो डिग्निटी है इंडिविजुअल की वो भी एक अराइज होती है, उससे ही जो इंडिविजुअल है उसको एहसास होता है कि यस आई हैव डन समथिंग। सो ये जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, इसमें से जो मैंने आपको बताया रशियन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट और फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको याद रखिएगा, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और इसके साथ जितने भी इसके एलिमेंट हैं उसको थोड़ा थोड़ा एक आपके पास आइडिया जरूर होना चाहिए कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो वो क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो वो क्या है पॉलिटिकल, इस तरह से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ ऑन 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों ये जो अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसमें ये आर्टिकल जो 394 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्कस करना चाहूँगा मैं, कि जो हमारा संविधान है इसके कुछ आर्टिकल जो, अगर आप 394 को पढ़ें तो इसके कुछ आर्टिकल जो थे वो 5, 6, 7, 8, 9 और इसके अलावा कुछ और आर्टिकल भी थे, वो इस दिन के बाद जो था वो लागू हो गए थे, पर जो पूरा संविधान था वो 26 जनवरी, यानी कि जो हमारा रिपब्लिक डे है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा संविधान था वो पूरी तरह से लागू हुआ था इस दिन को, जबकि कुछ प्रोविज़न जो थे हमारे संविधान के वो जो बना दिए गए थे, जो वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। अगर आप आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो कि कमेंसमेंट के बारे में है, तो आपको ये जो है मेरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, वहाँ से ये मैंने रेफरेंस यहाँ पर बता दिया है आपको।
तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है हमारा प्रीएम्बल से रिलेटेड। जो पहला केस लॉ है वो हमारा रे बेरुबारी केस है 1960 का। दोस्तों इसमें कहा गया था जैसे प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सब्सटेंटिव सोर्स नहीं हो सकती पावर का। तो इसमें इस केस में ये डिनाई कर दिया गया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये इनकार कर दिया था। पर इसके अगला केस जो आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस था दोस्तों, इसमें कहा गया था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इसको अमेंड भी किया जा सकता है, बट नॉट द बेसिक फीचर्स। जिसके बेसिक फीचर्स हैं उनको नहीं अमेंडमेंट किया जा सकता। दोस्तों इस केस को फंडामेंटल राइट केस भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था ये दोस्तों। और उसके साथ ही जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी वो भी इस केस से ओरिजिनेट हुई थी दोस्तों। तो उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट हुई है हमारे प्रीएम्बल में वो सिर्फ एक ही बार हुई है, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976, याद रखिएगा इस बात को। और इसमें जो वर्ड ऐड किए गए थे वो सोशलिस्टिक, जो मैंने आपको पहले बताया था, और सेकुलर, और उसके साथ ही एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो था वो भी दो ये शब्द जो थे ऐड किए गए थे, याद रखिएगा, एंड इंटीग्रिटी ना कि इंटीग्रिटी। क्योंकि पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसके बाद आया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो सोशलिस्टिक और सेकुलर और यूनिटी सॉरी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो वर्ड थे वो ऐड किए गए थे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले हम सोशलिस्टिक नहीं थे या सेकुलर नहीं थे, इससे पहले भी हम सोशलिस्टिक थे, सेकुलर थे। इस तरह की बहुत सी प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी जो कि हमें सेकुलर और सोशलिस्टिक बनाती थी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है हमारे पास हैं, जो नोटेबल हैं, और भी केस लॉ हैं जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनका हमें पता होना चाहिए। तो वो जो केस लॉ है हमारे पास एक्सल वीर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1979। तो दोस्तों इस केस में जो था वो जो एक पब्लिक और प्राइवेट जो एक ऑनरशिप होती है स्टेट की, वो उसके बारे में डिस्कस किया गया था। कि उसमें कहा गया था कि जो हमारे पास गवर्नमेंट का जो आधिपत्य है, जो गवर्नमेंट की डोमिनेंस है जो इंस्टीट्यूशन पर, वो भी होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी भी डोमिनेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी की थी। तो ये जो है दोस्तों वो एक्सल बेयर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड किया गया था। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास डी एस नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इस केस लॉ में जो था दोस्तों वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की गई थी कि सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या है। उन्होंने तो इस केस में डिसाइड किया गया था डीएस नकारा केस में कि सोशलिज्म का कंसेप्ट है कि बेसिक नीड जो है, जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कि बेसिक नीड जो है वो प्रोवाइड करवानी अपनी सोसाइटीज को, अपनी कंट्रीमैन को। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1974। तो इसमें दोस्तों जो जैसे देखा जाए कि अमेंडमेंट से पहले जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल की अमेंडमेंट की गई थी उससे पहले का केस लॉ है। तो इसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई अगर हमारे पास प्रीएम्बल जो है उसमें अगर सेकुलर वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकुलर नहीं है। हमारे पास आर्टिकल 25-28 जो है उसकी जो फिलोसफी है उन आर्टिकल्स की, उससे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कि यस वी आर सेकुलर आल्सो। और दोस्तों उसके बाद है SR बुमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये जो केस लॉ था इसमें कहा गया था कि जो सेकुलरिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। और उसके बाद जो लास्ट है दोस्तों वो है अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2003। ये केस लॉ जो था वो हमारी जो एक एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर था। उसमें कुछ इशू थे कि भाई एजुकेशन में जो है वो धार्मिक चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जा रही हैं और वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा था कि भाई हम जो धर्म है वो उसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे के धर्म को सीखें, उनको चीज़ों को पढ़ें, उनको एक्सेप्ट करें। जितना हम जानेंगे एक दूसरे के धर्म के बारे में उतने हमारे जो है मिसकंसेप्शन है वो खत्म होंगे, और जितना हम एक दूसरे से अनजान रहेंगे, दूर हटेंगे, तो उतना हमारी सोसाइटी को एक नुकसान होता है, या नुकसान होना शुरू हो जाता है, या एक दूसरे के प्रति जो एक शक की कंडीशन है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो दोस्तों ये हैं हमारे कुछ अदर नोटेबल केसेस। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट केस लॉ थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, रे बेरुबारी और जो केशवानंद भारती हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। तो ये जो सब कुछ है दोस्तों ये हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमने स्टडी किया कंसेप्ट इसके केस लॉ और इसकी क्या बेसिक फिलोसफी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, लेक्चर नंबर 3 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर ही होगा, और सिटीजनशिप जो टॉपिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर होगा। धन्यवाद।